राधे राधे जी, पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और आज आठवां दिन है। हम प्रत्येक दिन 10 महाविद्या की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। आज अष्टम महाविद्या माँ बगला मुखी की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए श्रवण करें, परंतु उससे पहले हमेशा की तरह जय माता दी, जय माँ बगला मुखी की लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर दें। जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय माता दी, लिखिए जय माता दी। देवी बगला मुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। माँ बगलामुखी स्तंभव शक्ति की अधिष्ठात्री है, अर्थात ये अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनके बुरी शक्तियों का नाश करती है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी है। शांति कर्म में, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु तथा शत्रु नाश के लिए देवी की उपासना करते हैं। देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है। सर्वप्रथम देवी की आराधना ब्रह्मा जी ने की थी, तदनंतर उन्होंने बगला साधना का उपदेश सनकादिक मुनियों को किया। कुमारों से प्रेरित हो देवर्षि नारद ने भी देवी की साधना की। बगला मुखी का अर्थ, बगला शब्द संस्कृत भाषा के वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। कुंजिका तंत्र के अनुसार बगला नाम 3 अक्षरों से निर्मित है, व ग ला। व अक्षर वारुणी, ग अक्षर सिद्धिदा तथा ला अक्षर पृथ्वी को संबोधित करता है। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें यह नाम प्राप्त है। देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। देवी त्रिनेत्रा है, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है, पीले शारीरिक वर्ण युक्त है। देवी ने पीला वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित है। देवी विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती हैं। देवी एक युवती के जैसे शारीरिक गठन वाली है, देखने में मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली है। देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु या दैत्य की जीभ को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी के इस जीभ पकड़ने का तात्पर्य ये है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती है। वे चाहे तो शत्रु की जीभ ले सकती है और भक्तों की वाणी को दिव्यता और आशीष दे सकती है। देवी वचन या बोलचाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकालकर सही करती है। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है तथा शव पर ही आरूढ़ है तथा दैत्य या शत्रु की जीभ को पकड़ रखा है। इनका प्रकाट्य स्थल गुजरात के सौरापट क्षेत्र में माना जाता है। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया जाता है, इसलिए हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। इनके कई स्वरूप हैं। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव महाकाल हैं। कहते हैं कि मध्य प्रदेश के नलखेड़ा जिला के शाजापुर में स्थित माँ बगलामुखी के मंदिर में
श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। दरअसल इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर महाराज युधिष्ठिर ने की थी। मान्यता ये भी है कि यहाँ की बगलामुखी प्रतिमा स्वयंभू है। यह मंदिर श्मशान क्षेत्र में है। यहाँ लोग अपनी मनोकामना पूरी करने या किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ, हवन या पूजन पाठ कराते हैं। माँ बगलामुखी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया और अनेकों लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया था। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में ही जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुरा सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र के हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। हरिद्रा यानी हल्दी होता है, अतः माँ बगलामुखी के वस्त्र एवं पूजन सामग्री भी सभी पीले रंग के होते हैं। बगलामुखी मंत्र के जप के लिए भी हल्दी की माला का प्रयोग होता है। माँ बगलामुखी की साधना शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए बहुत ही कारगर व अचूक मानी गई है। बगलामुखी साधना संपन्न व्यक्ति के समक्ष कितना भी बलशाली शत्रु क्यों ना हो, वो घुटने टेकने को विवश हो ही जाता है। बगलामुखी साधना से साधक को वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं बगलामुखी साधना से जुड़ी कुछ विशेष बातें। साधना काल की सावधानियां, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पीले वस्त्र धारण करें, एक समय भोजन करें, बाल नहीं कटवाएं, मंत्र के जप रात्रि के 10 बजे से प्रातः 4 बजे के बीच करें, दीपक की बाती को हल्दी या पीले रंग में लपेट कर सुखा लें, साधना में 36 अक्षर वाला मंत्र श्रेष्ठ फलदायी होता है, साधना अकेले में, मंदिर में, हिमालयों पर या किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर की जानी चाहिए। साधना में जरूरी श्री बगलामुखी का पूजन यंत्र चने की दाल से बनाया जाता है। अगर सक्षम हो तो ताम्र पत्र या चांदी के पत्र पर इसे अंकित करवाएं। इस मंत्र से माता का आवाहन करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलामुखी सर्वदृष्टानां मुखं स्तंभिनी सकल मनोहारिणी अंबिके इहा गच्छ सन्निधि कुरु सर्वार्थ साधय साधय स्वाहा। इनके 36 अक्षरों वाले मंत्र हैं, जिसमें अद्भुत प्रभाव है। वो है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र को 18 बार जाप कर सकते हैं। मंत्र सिद्ध करने के लिए 1,00,000 बार जाप किया जाता है। अधिक सिद्धि हेतु 5,00,000 जप भी किए जा सकते हैं।
जबकि संपूर्णता के पश्चात दशांश यज्ञ एवं दशांश तर्पण भी आवश्यक हैं। माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप हल्दी की माला से ही करना अनिवार्य है। बगलामुखी साधना में प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में जप करना अनिवार्य है। जप से पूर्व आचमन, प्राणायाम, न्यास, संकल्प एवं विनियोग करना आवश्यक होता है। माँ बगलामुखी के जप के लिए एक विशेष साधना स्थल का निर्माण करना आवश्यक होता है, जिसमें माँ बगलामुखी का विग्रह एवं यंत्र की विधिवत प्रतिष्ठा व स्थापना की जा सके। यह मंत्र अगर आपको कठिन लगे तो एक और मंत्र है जो इससे सरल है, वो है ओम ह्रीम बगलामुखी देव्याय ह्रीम ओम नमः। इस मंत्र का आपको हल्दी या पीले कांच की माला से 8 माला जप करना है। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीप दान करें। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। किसी भी परिस्थिति में आप माँ की रक्षा चाहते हैं तो यह मंत्र याद कर लें। मंत्र है ओम हाम 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 ह्लीम वज्र कवचाय हुम। हमेशा याद रहे कि ये स्तंभन की देवी हैं। सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलाकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। शत्रु नाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए देवी बगलामुखी की उपासना की जाती है। भक्त, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी की लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।